अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम आपको नए व्लॉग के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम वादी कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जो कि पूरी बर्फ़ से ढके हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। ये सामने आप पहाड़ ऊँचे देख रहे होंगे, ये ऊँची चोटी सामने आप देख रहे होंगे, वादी नील की सबसे ऊँची चोटी है, हंसराज के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे समर में जो टूरिस्ट टूर करने आते हैं, हम आपको ले चलेंगे वहाँ पे भी। तो अभी बर्फ़ से पूरी ढकी हुई है वादी, ये तो कितनी खूबसूरत है। इसके साथ ही यहाँ से आप जो देख रहे हैं, सामने से दूसरी चोटी शुरू हो जाती है ये, और इसके साथ में ये जंगल और बर्फ़ कितना खूबसूरत है। यहाँ का ये मकाम और क्या बढ़िया शानदार नज़ारे हैं यहाँ के ये। तो आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं। तो आप देख रहे हैं हम आगे आगे चल रहे हैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे, और हमारे कैमरामैन भी साथ साथ पीछे हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, लेकिन जितनी ज़्यादा बर्फ़ है उतनी ज़्यादा खूबसूरती भी है। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखो कितने ऊँचे पहाड़ सामने, यार क्या नज़ारा है यार, खूब। आप भी लुत्फानंदोज़ हो जाइए नज़ारों से, और हमें कमेंट में बताइए यार आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए हम आपको आगे आगे दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे सामने, देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, कितनी खूबसूरत वादियां यहां से शुरू होती हैं। और यहां से देखिए, यहां से आप देख सकते हैं इन वादियों का अलग मकाम है। इन वादियों के भी हम आपको टूर कराएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। इन वादियों को यहाँ से आप देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ से इनके नज़ारे देखिए। हम आप सामने जा रहे हैं आगे की तरफ, बर्फ में चलने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको पता है यार, ये जो यहाँ पे कितना भी बड़ा मतलब स्ट्रांग कैमरा हो, कितना भी क्वालिटी कैमरा हो, वो यहाँ मैटर नहीं करता है, क्योंकि इन वादियों की चमक की वजह से जो है ये चमक सीधे कैमरे की तरफ लगती है, तो इसलिए यहाँ मैटर नहीं करता है। तो आगे चलते हैं, खूबसूरत वादियों का आपको सैर कराते हैं। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन आप देख रहे होंगे हम चल रहे हैं ऊपर, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, बहुत भूख भी लगी है यार, क्या करेंगे, थक भी ज्यादा गए हैं। तो लेकिन हम आपको टूर कराते ही रहेंगे यहाँ से। आप देख रहे हो ऊपर ये जो पहाड़ी है ऊपर, इसके साथ में बर्फ़ लिपटी हुई है, इसके उस साइड में एक एरिया है, वहाँ सरगली है, और सामने जो फ्रंट में आपको एरिया दिख रहा है उसको रोहनटा बोलते हैं, उसके अगले साइड में खूबसूरत मकाम है। वहाँ पे भी आपको अगले एपिसोड में हम आपको वहाँ की टूर, वहाँ का टूर कराएंगे। तो चले हमारे साथ बने रहे, और यहाँ से हम आपको सामने नज़ारा दिखा रहे हैं। सामने देखिए आप कितनी खूबसूरत हैं ये, यहाँ के जंगलात कितने खूबसूरत मकामात इस बर्फ़ में आपको पेश कर रहे हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपने भी लुत्फानंदोज़ आप इन वादियों से हुए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।